that was something beyond the line. चला देते हैं तो थोड़ा स्लो कर देते हैं इसको, क्योंकि कभी कभी देखना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो इसमें इस पर जो पकौड़ी का बैटर बनाया ना, इसका कंसिस्टेंसी तो आपने देखी, नींबू नहीं डाल के भी चलता है, सोडा डाला हुआ है। सोडा तभी अच्छा रिएक्ट करता है जब आप थोड़ा सा खट्टी चीज़ दही या नींबू डालते हैं तो अच्छा रिएक्ट करता है। मतलब मैंने थोड़ा 8-10 बूंद डाल दिया दोस्तों नींबू। तो इसमें आपको मैं दो तरीके बताऊंगी इसके पकौड़ी बनाने के। अब बस रेडी। बेसन तो ऐसे कच्चा भी खा जाता है, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। मतलब हम लोग वो खाते ना, कच्चा चना खाते हैं, तो बेसन ही तो है। इस दूध के पैकेट को मैंने हाफ कट कर दिया दोस्तों, क्या मिलता है तो अच्छा धो लिया है मैंने। इस बटर को इसमें डाल सकती हूँ मैं, और हाथ से भी डाल सकती हूँ। तो पहले थोड़ा सा हाथ से काट डाल के दिखाती हूँ आपको। ये सब्जी है ना, ये मसाला है, तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। छोटा छोटा मैं पकौड़ी इस पर ऐसे डाल दीजिए, और चाहे तो इसको कोन में, प्लास्टिक कोन में डाल के बना दीजिए। तो हाथ से एक छोटा छोटा डालने में दोस्तों थोड़ा तो समय लगता है, तो हम लोग इसीलिए कोन बनाते हैं। बट आप यू कैन डू लाइक दैट, ऐसे भी बना सकते हैं आप, जैसे मैं इसमें बना रही हूँ। इसको हम थोड़ा ढक देंगे, ढक दिया मैंने। और कौन के जगह आप हाथ से भी बना सकते हैं इसको, कौन थोड़ा मोटा करके दोस्तों।